नमस्कार दोस्तों, हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं कटनी से शहडोल की ओर और ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं ये है बिरसिंहपुर पाली। जी हाँ, बिरसिंहपुर पाली का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और काफ़ी सुंदर प्लेटफॉर्म है। जैसा कि देख सकते हैं हम अभी चल रहे हैं नर्मदा एक्सप्रेस से, जो कि इंदौर से बिलासपुर के बीच में चलती है। और नर्मदा एक्सप्रेस में मोस्टली जो यात्री ट्रैवल करते हैं अनूपपुर की ओर, शहडोल की ओर, और ज़्यादातर जिसमें कि स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डेली शहडोल आते हैं पढ़ाई करने के लिए, और कई व्यवसायी वगैरह होते हैं, कई नौकरी पेशा होते हैं जो कि शहडोल आते हैं, अप डाउन करते हैं। और बता दें कि पाली क्यों फेमस है, आप भली भांति जानते हैं। अगर आपको माता बिरासनी जी के दर्शन करने हैं तो आप यहाँ उतर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन अगर आप नवरात्रि में आएंगे तो भाई काफ़ी भीड़ मिलेगी आपको, बहुत भीड़ रहती है और उस समय ट्रेनों की जो स्थिति रहती है बिल्कुल फुल चलता है, खचाखच भीड़ रहती है। इसके अलावा अगर आप मंठार जाना चाहते हैं, जिसे कि हम पाली प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, तो आप यहां उतर सकते हैं। और ये है बंधवाबाड़ा रेलवे स्टेशन, शहडोल से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर देख सकते हैं फुटओवर ब्रिज वगैरह बन गए हैं, प्लेटफॉर्म भी काफ़ी हद तक सुधार कर हो गया है और साफ़ सफाई तो देखते ही बनती है, हालाँकि बीच जंगल में यह पड़ता है। और बगल में देख सकते हैं गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है और ये देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ बंधवाबाड़ा, और काफ़ी लंबी गुड्स ट्रेन है ऐसा लगता है। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े हैं बंधवाबाड़ा से, तो शहडोल आउटर में आपको यहाँ पर एक नदी देखने को मिलती है और हम यूं ही ठहर जाते हैं यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए। और देख सकते हैं हम इस रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर जो ट्रेन पूरी तरह से मुड़ चुकी है कर्व में, और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज मिलता है हमें, जो कि हम शहडोल प्लेटफॉर्म के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और शहडोल प्लेटफॉर्म बहुत ही पास में है। और यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में रैंप टाइप का बना हुआ, तो बता दें कि यहां पर कुछ स्पेशल ट्रेन्स वगैरह आती हैं जो कि स्पेशल कोचेस होते हैं अधिकारियों के। और ये देखिए शहडोल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 आ गया है, देख ही सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी हरा भरा भी है। और बता दें कि काफ़ी समय पहले यहाँ बगल में ही छोटी सब्जी मंडी संचालित होती थी रेलवे की, जो कि अब बाद में कहीं और शिफ्ट हो गई है। और काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है शहडोल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, हालांकि 2 और 3 भी काफ़ी अच्छे हैं, कहने वाली बात नहीं है। और यहां पर देख सकते हैं आप जगह जगह आलू बंडे मिल रहे हैं, अगर आपने शहडोल का आलू बंडा नहीं खाया शहडोल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म का, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपको रीवा वगैरह जाना है तो आप शहडोल उतर सकते हैं, यहाँ से आपको बस स्टैंड से बस मिल जाएगी रीवा के लिए, जो कि मात्र 4 घंटे का सफ़र होता है शहडोल से रीवा तक का। तो देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में।